वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम चित्तौड़ से, आप सभी लोगों को पता था, अपने व्लॉग की शुरुआत अपन लगभग 11:32 पर कर रहे हैं। दोस्तों हम अभी आए चित्तौड़ बालाजी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगरबत्ती बनाने का बिजनेस है इनका, दिनेश जी धाकड़ का, और ऐसे अगरबत्तियों को सुखाया जाता है। जैसे कि आज मैन्युफैक्चरिंग करी हुई है तो अब इनको सुखाने के लिए रख रखा है पंखा चला गया, और ये इनका पूरा सेटअप। जैसे कि ये जगह तो इनकी अगरबत्ती सुखाने की है, और ये इनका गोदाम है पीछे, और ये ऐसे अगरबत्तियों की जो अंदर की काटियाँ रहती है ना वो इस प्रकार आती हैं। उसके बाद मसाला मिलाते हैं, मसाला मिलाने के बाद मशीन में डाल, ये इनका स्टॉक पड़ा हुआ है काटी बनाने का, और ये इनका ड्रम है जो केमिकल वगैरह आता है ना इसमें, सारा इस ड्रम के अंदर स्टोर कर रखा है। और उसके बाद में फिर मशीन का मसाला मिला के, हाँ सुखाने का पंखा है, एग्जॉस्ट फैन सुखाने के लिए, बहुत बड़ा पंखा है इनके। और इसमें क्या है, इसमें तो कचरा है। और यह है दिनेश जी धाकड़, इनका है पूरा सिस्टम। और आगे इनके जैसे कि ये वाला जो बर्तन है इसमें मसाला मिलाया जाता है, जैसे कि जो भी रहता है ना मटेरियल उसको मिला के, और ये इस वाली मशीन में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मसाला इसके अंदर डलता है, उसके बाद इसको पास में लाया जाता है, फिडन बोलते हैं इसको, फिर कांटियाँ इसमें जाके इधर आगे अगरबत्ती रेडी हो जाती है। जैसे कि इसको यहाँ पास लाते हैं, हब के पास आता है, इधर से जाके यहाँ पे निकल जाती है अगरबत्ती, प्रेशर के साथ निकलती है वहाँ पे। तो इसका भी आपको एक वीडियो डाल देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप पड़ा है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो बीच में डाल देंगे, वो भी देख लेना, लास्ट में डाल देंगे उस चीज़ को। और इनके अगरबत्तियाँ रेडी हो चुकी है, पैकिंग कहाँ पे करते हो आप? पैकिंग अपने उस एक मकान, एक और मकान है वहाँ पे। हाँ पैकिंग इनके जो रहते हैं ना उसी मकान में करते हैं, क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं तो उसमें क्या ज़्यादा पैकिंग हो जाती है एक साथ, वरना अकेले कब तक पैकिंग करें, इनको टाइम नहीं मिलता इतना। अब ये एक बंदे ने पूरा सिस्टम संभाल रखा है, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप लोग भी सोचना करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी कम है और अच्छी चीज़ है, बाकी मेहनत बहुत है। अब देख लो आप जैसे कि इस तरीके से सुखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स निकलते हैं अब यहाँ से, बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि अब अपन को घर पे जाना है, और अपना भी बहुत काम, जैसे कि सारा काम इधर उधर हो रखा है, तो अपन को माल वगैरह पैक करना है, क्योंकि अपन ने जो सोमवार को ऑर्डर लिए थे उन सबकी पैकिंग करनी है, फिर पार्टियों को पहुँचाना है। तो दोस्तों चलते हैं अब रावतबाटा, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपन, लगभग 3 घंटे में। तो दोस्तों हम फाइनली रावतबाटा आ चुके हैं, क्योंकि हमें जाना था तिलेश्वर महादेव और जोगणिया माता, लेकिन क्या जैसे कि कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से रावतबाटा से कॉल आया था कि कोई आए हैं, तो हम वापस वहाँ से आगे नहीं गए और वापस रावतबाटा आ चुके हैं। तो लगभग अभी टाइम हुआ लगभग 4:30, और अपन रावतबाटा पहुँच गए घर पर, और फ्रेश व्रेश हो लिए, और अब थोड़ी देर बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं अब। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको दिनेश जी का जो अगरबत्ती बनाने का कारखाना है वो बताया था आप लोगों को, छोटा सा प्लांट है जो डबल नहीं, लेकिन खुद ही बनाते हैं और खुद ही होल सेलिंग करते हैं उसकी। तो दोस्तों जैसे कि उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी, और हमें जैसे कि वहाँ से जाना था लगभग 12:30 निकले थे हम, हमें जाना था मैनाल और जोगणिया माता, लेकिन हमने क्या बीच में ट्रिप कैंसिल कर दिया, और अपन लोग सीधा रावतबाटा आ चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहें अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल 7:00। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स।